इसको वहां फेंकेंगे बाहर, क्योंकि पावरफुल वाले आप देखते हैं इसके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं आज 6, क्यों गाइस मैं आज जल्दी उठ चुका हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ दिक्कत ज़्यादा हो रही है गाइस। मुझे फीवर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेबलेट खाई है बुखार की। और हमारा मन्नू भी आज जल्दी उठ चुका है, मन्नू मस्ती कर रहा है सुबह सुबह। मन्नू क्या कर रही है? तो मन्नू भी हमारा जल्दी उठ चुका है। मन्नू को पहले खांसी थी, सर्दी हो गई थी, उसका बुखार सही है अब गाइस। मुझे बुखार आ चुका है सुबह सुबह, तो मैंने अभी टेबलेट खाई है। पता नहीं क्यों आ गया, गोड़ों में अड़कन पच रही है सर, और साथ में गाइस थोड़ी सर्दी सी भी है मुझे, तो मुझे भी दवाई लानी पड़ेगी। तो मैं अभी छत पे आ चुका हूँ, बहुत ही मस्त और प्यारी वाली धूप निकल रही है, क्योंकि आज पूरे शरीर में दर्द है गाइस मुझे। तो सत्यम को खांसी हो गई, सत्यम खांसी हो गई तो आज सत्यम की थोड़ी सी आँखें भी सूज रही हैं। तो सत्यम आप इंजेक्शन लगवाने चलोगे आज? ना। क्यों? दवाई लेने जाओगे? तो सत्यम की काफ़ी ज़्यादा आंखें सूज रही हैं, और बाहर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सत्यम आ चुका है मेरे पास इसको दवाई दिलवाने। पंजे कर गए थे, क्या करने गए थे? बच्चिया। अच्छा, बच्चिया देखने गए थे। अच्छा, यहाँ पर हमारे दूधिया आ चुके हैं दूध लेने के लिए। सत्यम क्या कर रहा है? सत्यम खिड़की से चढ़ रहा है। सत्यम देखो, सत्यम की आज आंखें कैसी हो रही है सर्दी के मारे। सुबह सुबह पंजे की बच्चिया से प्यार करके आता है सत्यम, घूम के आता है बच्चिया के पास। सत्यम बच्चिया के पास जाएगा जरूर सुबह सुबह। सत्यम को सुबह उठ के जाना जरूर बच्चिया के पास ही जाता है डायरेक्ट उठ के। सत्यम अब पंजे के बच्चे क्या निकला, क्या निकला? बीछू। अरे बीछू निकल गया, मम्मी ये बीछू है, बीछू देख देख, ये बीछू निकला अभी किसके अंदर? इसके अंदर अम्मा निकाल, इसको वहाँ फेंकेंगे बाहर, बाहर फेंकेंगे बाहर। हाँ हाँ, बच्चों को दिखाएंगे बीछू है। तो सत्यम ये बीछू है, बीछू हाँ अपने घर पे निकला, इसको फेंक दो। मन्नू उठ चुका है हमारा, सो के अभी सुबह उठ गया था 5 बजे, फिर दोबारा सो गया और फिर दोबारा उठ किया गया। मम्मी जी ने यहाँ पर फिर से मशीन ले लिया दोबारा, मम्मी जी अपना बिला बिला सत्यम की पिटाई कर दी, सत्यम की पिटाई कर दी अम्मा ने, पिटाई कर दी अम्मा ने। ये कैंची ले लेता है, कभी डोरा निकाल देता है, कभी कुछ करते है, बहुत मार के चल जल्दी। तो सत्यम की मेरे यहाँ पर पतंग बना दी, फतंग फतंग दिखा पड़ी पतंग, ये वाली पतंग देखो कैसे रो रहा है, पतंग बनेगी फिर क्यों रो रहा है, चल दे खेल ले जा। सत्यम ने मेरे पतंग बना दी, ये वाली पिन्नी वाली उड़ा के दिखा, पतंग के अंदर हवा भरेगी, ये वाली पतंग है पिन्नी वाली, इसमें हवा भरेगी तब उड़ेगी ये। हवा अपने आप भरेगी, इसमें वायु भरेगी, वायु हनुमान जी भरेंगे। हाँ फिर पतंग उड़ा रहा है अपनी पिन्नी की, सत्यम पतंग उड़ेगी? नहीं उड़ी, क्यों नहीं उड़ी? अरे उड़ रही है, उड़ रही है। अरे उड़ी 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 जाए दिल की पतंग, अरे नहीं उड़ रही है, कितना मारा गा रहा, उड़ी उड़ी जाए दिल की। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर, और यहाँ पर अपनी जो भैंस है उसको हम पानी पिला रहे हैं, और सत्यम देखो उधर अपनी पतंग को उसने खराब कर दिया, छोटी वाली जो पतंग बनाई थी अभी मैंने घर पे, इसको क्यों खा रहा है? मुझे काफ़ी तेज भूख लग रही है, अब मुझे खाना खाना है। सत्यम खाना खाएगा? सत्यम खाना नहीं खाएगा, मैं ही खाना। नीतू जी क्या बनाया है? तो गाइस अब मैं खाना खाऊंगा बाद में, क्योंकि अब एक पार्सल आ रहा है, मैंने अभी एक पार्सल मंगाया हुआ है नीतू जी के लिए, उसमें देखते हैं क्या निकलने वाला है, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था अब वो आने वाला था, क्योंकि पार्सल वाले अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलने वाला है। रविंदर पप्पू को भैया ऑर्डर किया था, तो अभी पार्सल के अंदर देखेंगे क्या चीज़ निकलेगी, घर वाले ने ऑर्डर किया है। ये यूट्यूब बोल रहा है, ये यूट्यूब का सामान आ रहा है सारा का सारा, चलो देखते हैं क्या निकलने वाला है। यूट्यूब की मैंने अभी पार्सल ले लिया है, ये जो पार्सल है फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया है सत्यम की मम्मी जी ने, अब इसके अंदर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे घर जा करके, देखते हैं क्या निकल। दवाई पी रहा है इसकी माता श्री, दवाई जो है घोर रही है, क्योंकि अब फद्दी इसको हो रही है, बार बार खांसता है, बार बार खांसता रहता है, खांसी खुल 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 खुल। तो इसकी अनबॉक्सिंग करो जल्दी से। तो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर दी, यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपने लिए मंगाया है, ये जो है प्लाजो है, प्लाजो ये इनके लिए है, अपने लिए मंगाया है सत्यम की मम्मी जी ने प्लाजो। तो इसको चेक जरा क्या वो चेक करके देखो, इसे पैर के देखो कैसा खा रहा हूँ। यहाँ पर खाने में है आलू, गाजर,
और गोभी की सब्जी, रायता भी है, रोटी है, गेहूं की। नीतू जी इसको पैर के देखो कैसा लगेगा, ऐसा करना नहाने नहाने के बाद पहनना। तो यहाँ पर जो हमने पिलावे मंगाया था नीतू जी के लिए, वो यहाँ पर बिल्कुल फाइनली फिट बन चुका है, एकदम कम्प्लीटली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आया, बहुत ही बढ़िया चीज़ फ्लिपकार्ट से मंगाओ, अच्छी चीज़ आती है। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने खेत पर, और खेत में से हम काट रहे हैं, इसको बोलते हैं बरसी, बोलते हैं बरसी। तो यहाँ पर पंकज ने बरसी काट ली है, मैंने भी यहाँ पर काट के पुटरिया बांध ली है, यहाँ पर ये चढ़ा रहा है। भाई खेत में आने के बाद इतना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है खेत में आने के बाद, भाई ऐसा लगता है कि घर जाने का मन ही नहीं करता। तो चलते हैं अब घर पे बरसी उठा करके, क्योंकि अब जल्दी से इसको कूटना भी है और अपनी भैंस को भी खिलाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध देंगी, दूध पियेंगे, आराम से इंजॉय करेंगे आप सभी लोग। मन्नू खेल रहा है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर नादों के रेडी हो चुका हूँ, और अपने मम्मी जी के लेकर फोन इस एक घंटे से फोन देख रहा है, अब ये फोन देखेगा छोटा वाला, क्यों ये देखे दुकान पर जो मम्मी जी हमारी अस्तर लौटाने आई है, दोबारा से फिर लेकर के जाएंगी, क्योंकि जो अस्तर लेकर गई थे वो दूसरा लेंगे हम, क्योंकि मैं बाद में लेके कर आया था, वो अस्तर छोटा निकला, दोबारा से वापस करने आए, फिर दोबारा ले करके जाएंगे अस्तर को, देख लो ये वापस करते हो दूसरा ले लो। तो सत्यम को खांसी हो गई, सत्यम खांसी हो गई, तुम्हारी सत्यम की थोड़ी सी आंखें भी सूज रही हैं। तो सत्यम अब इंजेक्शन लगवाने चलोगे आज? ना। क्यों? दवाई ले लो। दवाई लेने जाओगे? तो सत्यम की काफ़ी ज़्यादा आंखें सूज रही हैं, और बाहर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो सत्यम आ चुका है मेरे पास इसको दवाई दिलवाने। पंजे कर गए थे, क्या करने गए थे? अच्छा बच्चिया देखने गए थे। अच्छा तो इसमें से बढ़िया अवस्था निकाल दे जो मैच खा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला अस्तर ले लिया है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अब बार बार नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर में इसको ले गया था, अब मैं लौटा के दोबारा से वापस इसको 1 मीटर लेकर के जाऊँगा। तो भाई 1 मीटर अस्तर लगाना तेरे को, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अभी चूड़ी की दुकान पर, यहाँ पर चूड़ी लेने वाले हैं बहुत साथ में, चूड़ी ले लें हमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फाइनली जो सामान है वो ले लिया है, फॉल भी ले ली, चूड़ी भी ले ली उसके साथ, और ये सामान है वो हमने ले लिया, अब सीधे हम चलते हैं अपने घर। चुप हो जा, पापा आ गए। तो गाय मैं लेकर के आया हूँ मटर और पनीर, क्योंकि यहाँ पर सत्यम कह रहा था पापा मटर पनीर खाऊंगा, मटर पनीर खाओगे, अच्छी लगती है। तो इसमें दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ हैं गाय मम्मी की भी हैं और कुछ मेरी हैं, और यहाँ पर फाइनली हम आ चुके, लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों आप सभी को ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप सभी को ब्लॉग पसंद आया, वीडियो को हमारी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।